और टिटू भाई बताओ, सब बढ़िया एकदम? अबे हट यार, हर टाइम चिपकता है। अरे कोई बात ना यार, गुलाम है आपके, हम तो दबाएंगे टांगे पांगे सब। अबे तू इससे क्यों चिपके है, जब ये तुझसे ना बोलता तो। अबे जैसे ही ये घर से बाहर जाए, इसकी बहुत तुरंत फोन करके मुझे घर बुला ले रात को। आप कब जा रहे हो वहाँ को घूमने? घूमने को छोड़, पैर में दर्द है यार इस वाले। शिफा, मैं शुक्र गुजार हूँ तेरे पापा का, क्या उन्होंने इस काबिल समझा मुझे। तुझे छोड़ने के लिए उन्होंने मुझे 50,000 रुपए दिए। अरे मैं तो 10,000 रुपए में ही मान जाता। 50,000, 40,000 एक्स्ट्रा दे दी। मजा कर दिया यार अंकल ने। वो तो अच्छा है दानिश भाई, मैं अमेरिका में पैदा ना हुआ, वरना बड़ी दिक्कत आ जाती। क्यों? अबे मुझसे इंग्लिश तो आती ही ना। सब इंग्लिश बोले करते, हम चूटी की तरह खड़े रहते, हमसे इंग्लिश आती ना, बताओ। ये तो अच्छा हुआ इंडिया में। अबे यार जावेद यहीं को आ रही है यार ये तो। अबे तो क्या हो गया आंदे? अबे यार ये मुझसे अपने उधार के पैसे मांगेगा, इससे ले रखे ना 500 रुपए मैंने। यार तू एक काम करिए, यूँ कह दिया आमिर रात अचानक से गुंगा वैरा हो गया, सही है? अब तुम उस पे छोड़ दे। अब बोल आमिर पैसे दे दे मेरे उधार के। अबे यार मत मांगे, रात अचानक से ही गुंगा वैरा हो गया। हाँ पापा। हाँ निकल गया तो आ रही हूँ घर को, आ रही हूँ पापा। ठीक है ये तो सही, साले मेरे साथ डबल चीटिंग कर रही है। अरे यार आमिर भाई टांगों में बहुत दर्द है, चला तक का नहीं जा रहा है इस टाइम। अबे तो हमसे बता तो दे, हम बताएंगे क्या फार्मूला टांगों के दर्द का। खाने के बाद क्या खा रहे हो? खाने के बाद तो यार कुछ भी ना खा रहे, रोटी खा के पेट भर जा बस। तो दर्द तो अपने आप ही होगा। अबे खाने के बाद कम से कम एक चम्मच चूहे मार दवाई खाओ। गर्म पानी से खाना, दर्द की तुमको बहुत सारा, पूरे तो पूरे नहीं बच जाओगे तुम। उल्टी बातें। यार फेहान भाई कमाई का बिल्कुल जरिया नहीं है, एक एक रुपया जेब में नहीं रह दिया है। टेंशन में हूँ बहुत, दिन रात नौकरी के लिए घूम रही हूँ, कोई नौकरी देने तैयार नहीं है। आमिर भाई यार ये 300 रुपए मिले मुझे यहाँ पड़े हुए, पुलिस में दे दूँ क्या? पुलिस में देखे क्या कद्दू करोगे, पुलिस भी तो मुझे ही देगी, मेरे ही तो गिरे हैं, वो ही तो बता रही है इतनी देर से इनसे। लाओ इधर को लाओ, मैं देता कि ना बहुत छुड़ी के। अबे तुम इनके ही, इनके ही जाते कि ना साले। अरे यार आमिर भाई नया साल आ गया, क्या है भाई न्यू ईयर का प्लान? देख न्यू ईयर का प्लान जो है ना इस बार मेरा कुछ बड़ा है, बड़ा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी उसमें यार। अरे हम तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं यार। तो हो गया काम, सिर्फ साथ ही हो तो तुम जाओ फटाफट 4-5 लाख रुपए लेके आओ घर से। मैं तुम सिर्फ 4-5 लाख रुपए? अरे 4-5 लाख रुपए तू लागा, 1-2 लाख तेरे खर्च करवा दूंगा, बाकी अपनी जेब में रख लूंगा, मेरा भी बड़ा प्लान हो गया न्यू ईयर का। हटा तू, मेरे हिसाब समझ में आ रही है, तू ले जा, मैं सब समझा दूंगा ना। जावेद को कॉल करता हूँ। हेलो जावेद, पार्क की तरफ खड़ा हूँ, जल्दी से आ जा। दानिश को भी कर लेता हूँ। हाँ दानिश पार्क की तरफ पढ़ो, जल्दी से आ जाओ। हाँ बोल, किससे लड़ाई हुई है? लड़ाई नहीं हुई है, ये 500 ईंटें पड़ी है, ये ऊपर लेके चलनी है। मकान बन गया यार, अब्बा कह रहे हैं तू लेके चल, मैं इकला कैसे लेके जाऊँ, मैंने अपने यारों को कॉल कर ली। चलो चलो यार है तो कहा लेके चल लंबे वाले को। दोनों यार है मेरे, चलो चलना पड़ेगा। मुंबई शहर का गुंडा छापा है तुझे इस अखबार ने। गलत छापा है, गुंडा नहीं, इस शहर का पाप है मानिया सुरभे, पाप। ऐसे तो इस शहर में तुम्हारे पापा भी रहे, उनके भी पाप हो तुम। अरे फिर यही बात रहे झाटू, वो अब्बा में रहे उन्हें छोड़ के, तुम्हारे भैया रहे उनके भी पाप हो तुम, भैया को छोड़। अरे यार आमिर भाई कोई मुझे समझता नहीं है। अरे नहीं यार मैं समझता हूँ तुझे, मैं दोस्त हूँ तेरा, सब तो चूतिया है, मैंने तेरी आंखों के अंदर झांक के देखा है, तू एक काबिल इंसान है बहुत बड़ा, एक दिन तो तेरे लिए गाना तक बजेगा यार। कौन सा गाना बजेगा आमिर भाई, कौन सा सुन? छटी ना चिल्ला हराम का चिल्ला बिल्ला। मादर चोर तू तो आस्तीन के सांप है, हराम का बिल्ला। अरे आमिर भाई तुम्हारी बीबी एक लौंडे के साथ गाड़ी पे घूम रही है। हो ही नहीं सकता। अरे यार मैंने अपनी आंखों से देखा, आओ तुम्हें दिखा के लाऊं। मानूंगा ही नहीं भाई सब झूठ है। अरे यार तुम्हें मैं कह तो रहा हूँ मेरे साथ चलो दिखवा के लाऊं तुम्हें। झूठ है, बिल्कुल झूठ है भाई साहब, मैं यकीन ही नहीं करूंगा। अरे आमिर भाई जब वो कह रहे हैं झूठ थोड़ी बोल लोगे, जाके देख लो। मुझे
मुझे भी पता मेरी बहू हरामी है, उसके 4-5 आशिक हैं पुराने, लेकिन कबूल थोड़ी कर लूंगा। अरे आओ दिखवा हूँ यार, माने करो। अरे यार मानने तैयार नहीं है तो क्यों करे यार? झूठ है बिल्कुल झूठ है, मम्मी कह रहे हैं यार। अरे आमिर भाई, हमारा दोस्त दानिश ना है, बहुत पैसा कमा रही, कार ले ली और जमीन ली अभी 100 बीघे। अरे यार तो हमसे बताओ, एक टोकटा ऐसा फेंकते हैं मारूंगा उसके ऊपर, बर्बाद हो जाएगा। अरे यार मुझे टोकटो वोकटो पे विश्वास ना है, कुछ ना होता। अजी मेरा कद्दू विश्वास ना, तुम्हें बर्बाद ना करा मैंने टोकटे से। यार कुछ नहीं था तुम्हारे पास, आज कुछ भी नहीं है, मटकी मिली कमरे में तुम्हारे। हाँ मैं रख के आया साले आस्तीन के साथ। अब आमिर भाई तुम्हारी तो समाज में बहुत मट्टी कट गई यार, तुम्हारे अब्बा ही भाग गए यार। अरे चल हमारे अब्बा भागे हैं, सबर है, इनसे पूछो इनका क्या हाल है, इनकी अम्मा को लेकर तो भागे हैं। अच्छा इनकी अम्मा के साथ भागे हैं, दहेज भी देने मना कर रही है। दहेज दे भैया, ऐसा ना होता है, चल यार दहेज अम्मा ही तुम्हारी। दहेज तो देना पड़ेगा दहेज। फैजान भाई मुझे सिगरेट पीना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अबे तो यार इतनी बात पहले ही बता देते, तुम्हारे चक्कर में मैं सिगरेट ना पी रही, कभी तुम भी मांग लो दो लगा लियो। वे यार अभी तो तुम कह रहे मुझे पीना पसंद ना है, अपने पैसों से खरीद के पीना पसंद नहीं है। तुम भी यार बहुत बड़े आलू जलील हो। जलील तो है, पिलाओ सिगरेट तो। ना है ना, एक ही है ना है। यार आमिर भाई तुम्हारी डॉक्टरी लाइन तो बहुत बढ़िया चल रही है, डॉक्टर कैसे बने तुम? यार मुझे बचपन से पढ़ने लिखने का शौक नहीं था बिल्कुल ही, फिर मैंने सोचा डॉक्टर ही बन जाओ। तो ये दवाई उवाई कैसे दो तुम? दवाई कॉम्बो प्लान में दूँ, तुक्का फिट हो जाओ दो चार जगह ऐसी। और कोई मर गए तो? मर गए तो क्या दूँ, मैं लेट होगा, मेरी क्या गलती है? मेरे भैया को भी ऐसी मारा क्या? ना वो तो आने में लेट हुआ तेरा भैया साला।